क्या टाइम स्क्रीन ये राइस शैडोस है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, राइस शैडोस है, पता नहीं ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको स्क्रीन इस यहाँ पर मामा देखते जाना है, पर इसके लिए आप कैसे बंद हो जाएगी। कब करोगी? कर रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मी पहले आई शैडो, चुपचाप बैठो, इधर देखो, इधर आओ, आप दिख नहीं रही हो। बैठ जाओ। सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लें, धुल लें, लाइक दिस, ऐसा चमकता हुआ गोरा गोरा निखरा हुआ चेहरा, मूंछ वाली लड़की, भालू वाले लड़की जैसे बाल। सबसे दूर, मजाक रहे, सीरियस। चलो, ये इतना सुंदर सा मेरा भोला बच्चा, इसका चेहरा धुल दिया हमने, मॉडल का सॉरी, चेहरा धुल दिया। धुलने के बाद अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र, कोई भी। मेरे पास ये निविया की क्रीम है, सॉरी आयुर की है क्रीम, कोई भी आप अपना लोशन, कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे पे अच्छे से भरपूर मात्रा में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, काले होने का कोई ख़तरा नहीं, समझे? पूरे जगह मेकअप अच्छे से, इससे क्या होता है, मेकअप हमारी स्किन को हार्म नहीं करता। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है लगाना, नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। और अप्लाई करने का तरीका ये होता है, ऊपर करो। हाँ, ये अप्लाई इस तरह से पूरे गर्दन, नेक में, कान में, सब जगह अप्लाई कर लेना। उसके बाद अब हम बात करते हैं, तुम्हारे पास ये नहीं है, है ना, तो इसको स्किप कर देते हैं। अब आके मैं निकाल के दिखा देती हूँ कैसा है। ये इस तरह का होता है, ये बिल्कुल छोटा सा, एक बूंद, छोटा सा चने के बराबर बूंद बस लगाना होता है। लगा, अच्छा लगा के दिखा देती हूँ मैं। ये लड़के है? हाँ, ये लड़के का, लड़की का है, लड़के लोग को लगाते हैं। नहीं भाई, सब लड़कियां लगाती हैं। सी, दिख रहा है, ये इतना लिया। इसके बाद इसकी डॉट डॉट्स बना के चेहरे पे रखनी है। और इसको डैब डैब करना है स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज अभी गीला करके इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं नहीं कर रही हूँ ये सब चीज़ें, या कर देती हूँ। अच्छा लाओ, टाइम लगेगा। स्पॉन्ज को एकदम गीला कर लिया, फिर उसके बाद सारा पानी निचोड़ दिया, एक भी बूंद अब पानी इसमें से आना नहीं चाहिए। ओके, इसको पोंछ लें आप, डैब हाथ को, अपने गीला हाथ पोंछ लें। अब स्पॉन्ज लेने के बाद इसको डैब 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 मोशन में ऐसे 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 अप्लाई करना, डैब डैब डैब, इसको ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं, रगड़ेंगे आप तो आपका सब स्किन का एक दूसरे के साथ मिक्स होएगा। क्या क्या, जो हमने पहले क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाया था और अभी जो ये प्राइमर लगा रहे हैं, ये सब मिक्स हो जाएगा आपस में। हमें मिक्स नहीं करना, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ानी है खाली हमें, ठीक है? तो लेयर चढ़ाने के लिए हम इसको डैब 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 करके अप्लाई करते हैं। अभी मैंने कम मात्रा में, क्वांटिटी में लिया, इसलिए इतना अंतर नहीं समझ में, और मीशो की स्किन तो अच्छी है ही, तो इसलिए उसकी स्किन और थोड़ी सी फ़र्क बस ज़रा सा आया है, साइनी हुई। कम क्यों मैंने, क्योंकि कम क्वांटिटी दिया था। आइज़ ऊपर करो ऐसे, अरे आइज़ ऊपर करो, सिर नहीं, आइज़ ऊपर की ओर देखो बस, डैब 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 डैब, रगड़ना नहीं है, यू लाइक दिस, ऐसे से नहीं करना है, यू यू धीरे धीरे करिए, बहुत टाइम लगेगा पर धीरे धीरे करो, ठीक है? उसके बाद, हाँ चल रहा है वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। और ये सारे स्टेप जब करेंगे ना, तो हर स्टेप के बीच में एक एक मिनट का अंतर रखना है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो ये चीज़ आपको वेट कर करके करना है। आपको सबसे पहले, मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फिटमी का, जो मेरे पास है, आपके पास जो भी फाउंडेशन है वो इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा निकल आया, ऐसे मैंने थोड़ा सा लिया फाउंडेशन, क्योंकि मेरी मॉडल छोटी है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ सामान, थिंग्स। अभी ऊपर देखिए, फिर से आईज़ ऊपर करिए, ऊपर, सिर्फ ऊपर देखिए,
इसको भी डैब 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 करके लगाना है आपको। आप चाहें सीधे ऐसे मुंह ऐसे रखो बस, हाँ आप मत देखो ऊपर, मत देखो इधर ही देखो। इसको ऐसे पहले डॉट डॉट बना के रख लें चेहरे पे हर जगह, या तो स्पॉन्ज में डायरेक्ट ले लें, पर स्पॉन्ज में ज़्यादा लग जाता है, तो ऐसे डॉट डॉट चेहरे पे बना के रख लें, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है हाथ में उसे स्पॉन्ज में ले लें और इसको ऐसे 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 डैब 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 करके इसको भी लगाना है, ताकि प्राइमर और जो हमारा एलोवेरा या क्रीम है जो भी, वो सब मिक्स ना हो, आप एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, ठीक है। वो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाए बस। ठीक है रेवा, अब इसके बाद हो नहीं जाला, इनका फेस छोटा सा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। छोटे छोटे मुंह में, छोटा छोटा मेकअप कलोले, ऊपर देखो ऊपर। ऐसे करो, ऐसे करिए, ऐसे गर्दन पे भी सेम मात्रा में लगाइएगा। अभी मैं नहीं लगा रही हूँ गर्दन पे, क्योंकि आपको समझाना है बस, चाहे फेस में चाहे गर्दन में बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप किनारे रख दीजिए। अब हम यूज़ करेंगे मेकअप ब्रशेस। मेरे पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं, तो अभी मैं इस्तेमाल करूँगी फाउंडेशन के बाद। हम फाउंडेशन ब्रश से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो स्पॉन्ज से लगाइए, चाहे ब्रश से लगाइए, ब्रश सेम वही चीज़ रहेगा, बस ब्रश से यूँ यूँ टैप किया जाता है धीरे 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 ब्रश से। ब्रश से ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग नहीं आता जितना अच्छा इससे आता है स्पॉन्ज से। अब हम इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास देखो एक दो बड़े ब्रश हैं, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये बड़े बड़े ब्रश, इससे मैं ब्लशर का इस्तेमाल करती हूँ, पिंक पिंक या चीक बोन्स पे ब्लश लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, और इसका इस्तेमाल मैं कॉम्पैक्ट वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे, अभी आई शेडो लगाते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि फाउंडेशन को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर, जो भी आपके पास लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट टैल्कम पाउडर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको धीरे धीरे ब्रश को इस पर घुमाना और एक्सेस पाउडर इसमें झड़ा देना है, ऐसे ऐसे कर देंगे टैप टैप। फिर उसके बाद वो इधर देखो मेरी साइड, इसको यूँ 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 अपनी स्किन पे सेट करना, धीरे धीरे लेना है, टैप करना है। इससे आपका फाउंडेशन जो है लिक्विडी फॉर्म का, जो ऑयलनेस होगी वो सब सेट हो जाएगी, ठीक है। कंसीलर मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको कंसीलर का इस्तेमाल करके दिखाती। कंसीलर मेरा इलाहाबाद में, इसको ऐसे पूरी जगह कान में नाक में हर जगह हाथ में ब्लश कर दे। मम्मी मम्मी नहीं, मैं हूँ आपकी, कौन हूँ मैं, आर्टिस्ट हूँ मैं, आर्टिस्ट। इसकी पॉलिथिन कहाँ गई, चलो ठीक है। अब इसके बाद इस ब्रश को ऐसे झड़ा देंगे, ओके। और सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो गई उनको रखते जाएं वन बाय वन। अब हम आईज मेकअप करते हैं, आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले जो थोड़ा फाउंडेशन है, हाँ शूटिंग हो रही है मम्मी, आईज भी लगाती है। अब आईज बंद करके रखिए, आईज खोलिएगा नहीं। सबसे पहले हमको फाउंडेशन लेना है और इसको आईज पर अप्लाई करना है, जिससे आईज का जो कलर है आईलिड का वो भी एक जैसा हो जाए, ठीक है। इसको मिक्सअप करना है, इधर दिखाइए, इसको भी ऐसे अप्लाई करना है धीरे धीरे हाथों से स्मूथ। आप चाहें तो सेम वही प्राइमर भी पहले लगा सकते हैं या एलोवेरा जेल, फिर उसके बाद आईलिड पर फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसीलर का इस्तेमाल जो किया जाता है अब किया जाता है, कंसीलर मान लो सपोज ये कंसीलर है आपका, जो कंसीलर है उसको आप जैसे आईज के नीचे यहाँ डार्क सर्कल होते हैं ना, और कई लोगों के यहाँ यहाँ डार्क सर्कल होते हैं, तो पहले उसको यहाँ लगा देते हैं कंसीलर को, धीरे से यहाँ लगा देते हैं, यहाँ यहाँ लगा देते हैं,
यहाँ लगाते हैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ यहाँ, फिर उसके बाद उसको भी डैब 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 करके मिक्स कर लेते हैं स्पॉन्ज से या हाथ से अपने ऐसे से डैब 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 करके पूरा मिक्स कर लेंगे ठीक। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, कंसीलर का इस्तेमाल वो होता है। अभी कंसीलर मेरे पास नहीं इसलिए कंसीलर और मीशो का डार्क सर्कल है भी नहीं ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन, हमने लगा लिया, अब हम इस पर आईज पर भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, जिससे हमारा फाउंडेशन पसीने में बहे ना, मीन्स कि पसीना आने पर उसमें ऑयलीनेस ना हो ठीक है। अब उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हमारे आई शेडोस ठीक है। आई शेडो ये इनको इस्तेमाल करने के लिए हम मैं अभी सब लगा दूंगी, डोंट वरी, सारे मल्टी कलर बना दूंगी ठीक है। बैठ जाइए, चुपचाप बैठे रहिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, नहीं तो मम्मी तो फिर कोई मेकअप वेकअप नहीं करेगी ठीक है। ये सारे ब्रशेज हैं अलग अलग, मैंने 12 का सेट मंगवाया था और भी 24 के ब्रश का सेट आता है, अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है फेस पैक लगाने के लिए, फेस पैक लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई लैशेज को मस्कारा लगाने के लिए या तो आईब्रोज पे ब्रशिंग करके उसको प्रॉपर शेप में बनाने के लिए ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो पतला ब्रश है इसका इस्तेमाल लिपस्टिक लगाने के लिए करते हैं, लिपस्टिक ले लेके इसको लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के छोटे ब्रश या इस तरह के छोटे ब्रश या इस तरह के छोटे ब्रश इनका इस्तेमाल आप आई शेडो के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं ठीक है। और ये बड़ा ब्रश आप ब्लश या उस कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए कर सकती हैं, और जो छोटा ब्रश इस तरह के कोई और दूसरे छोटे ब्रश होंगे आप पे उसका इस्तेमाल आखिरी में बताऊंगी वो क्या करते हैं। चलिए अभी पहले हम इस्तेमाल करते हैं आई शेडो, वरना वीडियो लंबा जाएगा। आईज बंद करके रखना ओके। कौन से कलर बताना, ब्लू ओके, बंद करो आईज। हमें आई शेडो को इस तरह से अप्लाई करना है। अभी इनकी आईज बहुत छोटी है इसलिए इतने अच्छे से आपको मैं स्प्रेड करके नहीं बता पाऊंगी, बस आप हाँ इसको अप्लाई करेंगे जब ना तो एक गोल वाला एंगुलर ब्रश लेंगे, इस तरह का गोल टिप वाला ठीक है, गोल ब्रश, या तो इसका इस्तेमाल करें और इसको अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर यूं ऐसे ऐसे चलाना है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इससे आपका आई शेडो बहुत अच्छा मिक्स होता है। ऊपर करूँ, आईज बंद रखना ठीक है। ये ब्लू कलर दिख नहीं रहा है हमेशा, चलो पिंक कलर लगाते हैं ठीक है। आप आईज बंद करके रखिए, क्यों ब्लू नहीं दिख रहा, ब्लू कलर मर्ज हो जा रहा है हाँ? ज्यादा हल्का हो जा रहा है ऊपर हाँ? देखो आईज बंद, आईज बंद। अब हम पिंक कलर दूसरा कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो शेड में बना रहे हैं। पहले हमने ब्लू कलर से पूरा बेस बना दिया, अब उसके बाद पिंक कलर लेके हम सिर्फ खाली आई लिड के बीच सेंटर में यहाँ 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 कर रहे हैं कलरिंग, और इसको भी अंदर बाहर अंदर बाहर। इनकी आईज छोटी है इसलिए उतने अच्छे से बन नहीं रहा है, पर आप समझ जाओ इस तरह से ब्रशिंग चलानी है आपको। गड़ रहा है क्या, गड़ रहा है, सॉरी। और इस ब्रश में जैसे दो कलर हो जाएंगे ना तो इसमें दो कलर ना करके, क्योंकि दूसरी आईज में भी चाहिए, मैंने गलती कर दी, ब्लू कलर जब लिया था तभी हमें इधर भी लगा लेना था, वरना या तो हम फिर दूसरा ब्रश का इस्तेमाल। इस दिन ना ऑरेंज लगा, ये मैंने दूसरा ब्रश ब्लू के लिए इस्तेमाल किया हाँ। अभी साइज में भी सेम टू सेम ब्लू अंदर बाहर करके ब्रश को हाँ ऑरेंज लगाएंगे ओके। इस तरह से करके हम कलर स्प्रेड कर लेंगे, जिससे हमारा कलर इक्वली सब जगह स्प्रेड हो जाता है और ब्रश से अच्छे से फैल जाता है। ऊपर देखिए, सब पाउडर गिर रहा है। अब फिर से पिंक वाला शेड हम लेंगे, और
बीच में आईलेट में अंदर बाहर करके, अंदर बाहर करके, सी हाउ स्मूथ इज दिस। अभी इसमें थोड़ा हल्का है, थोड़ा और डार्क करें, इधर दिखाइए। ओके, बराबर हो गया। अब बचा हुआ नीचे आई शेडो आ जाता है कुछ झड़के, उसको ब्रश से हेल्प से झड़ा लेंगे, नहीं तो आई शेडो नीचे भी दिखेगा। ओके, अब इसके बाद हम हमारा आई मेकअप अभी कंप्लीट भी हो गया, और नहीं भी हम चाहें तो और भी की चीज़ें कर सकते हैं। तो हमको जैसे गोल्डन कलर भी लगाना है सपोज, इसी में आईज बंद करो, हम गोल्डन कलर भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए गोल्डन कलर से, वाओ। एक मिनट इधर ही रखिए, आप ज़्यादा जल्दी नहीं करिए। हाँ, ये हमारा मेकअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर सीधे, अब हम हम काजल लगाएंगे और आई लाइनर लगाएंगे। ऊपर आइज करो, अब हम ब्लू, इतनी ऊपर नहीं, ऐसे रखो और पंखा देखो। हाँ, हम ब्लू काजल लगा रहे हैं। आइज क्लोज नहीं करो, खोल के रखो। हाँ, हमने ब्लू काजल अप्लाई किया है, मेकअप किया है। अब आइज क्लोज नहीं करो बेटा, खोल के रखिए। विंग्स थोड़ा अच्छा नहीं बना इधर का। अब हम आईलाइनर तो नहीं है हम पे, तो हम आईलाइनर नहीं लगा रहे। आईलाइनर आप सीख लीजिएगा, ये काजल ही है, आईलाइनर हम पे है नहीं, क्योंकि आईलाइनर मेरी आँखों पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लिया नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे ब्लशिंग। ब्लश करने के लिए मम्मी लिपस्टिक भी लगा रही। हाँ, ब्लशर जो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, ये आई शेडो में से ही पिंक कलर इसे लेकर, ये बड़े वाले ब्रश में दूसरा कलर ना आए इस पर, ऐसे करके कलर लेने के बाद एक्सेस वाला जो कलर इसे झड़ा देंगे, और यहाँ चीक बोन्स पे, यहाँ अंदर बाहर करके, ऊपर नीचे इसको पिंकी इफेक्ट देंगे गालों को। सेम हियर, यहाँ पर भी अंदर बाहर करके हमको पिंक करने हैं गाल, और थोड़ा सा इफेक्ट हम थोड़ी पे भी देते हैं, थोड़ा सा नोज पे, हल्का सा यहाँ हल्का यहाँ ज़्यादा रहता है, यहाँ ज़्यादा रहता है, यहाँ कम रहता है। ओके, अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। आ करिए, लिपस्टिक लगाने से पहले, सबसे पहले वैसलीन ना लगाना भूलना, हल्का सा वैसलीन लगा दे जिससे लिप मॉइस्चराइज रहे और लिपस्टिक हमारे लिप्स को हार्म ना करे। अरे तुम ऊपर क्यों मुंह उठा रही, मेरी साइड देखो, ऊपर मत मुंह उठाओ। इतना बड़ा भी मुंह मत फाड़ो। ब्रश से भी लगा सकती थी मैं, पर मैंने कहा तुम्हारे पास लिपस्टिक ब्रश नहीं है, इसलिए क्या मतलब, मुंह क्यों बंद कर रही हो, ऐसे मैं कर लो, इधर दिखाओ, मुंह बंद रखना, मिक्स करो। ठीक है, अब हम इनका मेकअप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी बताती हूँ, ये हमने इनकी कंघी भी कर दी हाथों से, क्योंकि टकली है। अब हम क्लिप लगा देंगे इनके बालों में ताकि सुंदर दिखें। रुक जाओ, वन मिनट। हाँ, क्या बताना, क्या लगाना। अब आईलैशेस नहीं बेटा,
बच्चे आई लैशेज, ये है, ये मेकअप का जान होती है, मेकअप की शान होती है। दिस इज, ये होता है शिमर पाउडर। ये आप पे नहीं है कोई बात नहीं, बड़ी होना तब ले लेना। ये शिमर पाउडर है, इसी का आई शेडो पैलेट के फॉर्म में भी आता है जमा हुआ। ये हाइलाइटर कहलाता है, कॉन्टोरिंग भी करते हैं। अभी कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। कॉन्टोरिंग करने के लिए हम किसी ब्रश का, पतले ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और कोई डार्क ब्राउन कलर लेंगे और उसका इस्तेमाल हम या चीक बोन्स पे करते हैं, यहाँ यहाँ। अभी दिखाती हूँ उसको भी मिक्स करके, इधर देखा, ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसका, और यहाँ यहाँ नोज पे भी करते हैं, यहाँ शेप देने के लिए फेस को, ठीक है। अभी इसको मैं मिक्सअप करूँगी। उधर देखिए आप, कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए, इस तरह से इसको इसको मिक्स करते हैं, मर्ज करा जाता है, ताकि चेहरे पे जब भी हम हंसे स्माइल करें ना, तो लाइट पड़ेगी तो यहाँ से चेहरा कट सा दिखेगा, मीन्स कि बहुत सुंदर दिखता है। अभी मैं प्रॉपरली नहीं कर रही ये चीज़, सब प्रोडक्ट आते हैं, कैमरे में देखो मीशो, इसको मिक्स करना है आपको। ये नोज़ का इतना भाग हम कट कर रहे हैं, ये भाग कट कर रहे हैं, जिससे कैमरा या लाइट जब भी पड़ेगी हमारी नोज़ यहाँ दिखेगी, ये बस। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना, अंदर बाहर करके, जिससे ये अलग सा दिखे ना, मिक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ इनके पलक का बाल आ गया। अब हम हाइलाइटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो हाइलाइटर खुलता कैसे था, ये खुलता था, चलो ऐसे इस्तेमाल, ये हाइलाइटर ऐसे इस्तेमाल होता है, यहाँ यहाँ चमक के लिए। अभी यहाँ से आ नहीं रहा, आया आया आया, मेरी साइड देखिए, मैं ठीक है। लिप्स के यहाँ भाग में भी इसको लगाया जाता है, ये गिर नहीं रहा, खुल भी नहीं रहा, वरना मैं खोल के दिखाती अभी आपको, पता नहीं टाइट लग गया है कि क्या। यहाँ से सॉरी, ऐसी डस्ट होती है, बहुत बारीक डस्ट। नोज के जो सामने वाला पोर्शन हमने छोड़ा था, उस पर ही हाइलाइटर लगाएंगे। रुको रुको रुको, देखा, अभी दिखाती, माथे पे लगा लीजिए, यहाँ जहाँ हंसते हैं सबसे ऊपर गाल पे, यहाँ लगा लीजिए इसको, रुको एक सेकंड, और यहाँ लगा लीजिए गाल के ऊपर सबसे ऊपर। हमने सबसे पहले ब्लश बीच में लगाया, उसके बाद कंटोरिंग की इस लाइन पे, और यहाँ ऊपर वाली लाइन पर हम ब्लश लगा, ये हाइलाइटर लगाते हैं, और लिप्स के ऊपर यहाँ पर भी हाइलाइटर लगाया जाता है, और यहाँ थोड़ी पे भी हाइलाइटर लगाया जाता है, इससे चमक हो जाती है चेहरे पे, ठीक है। पूरे चेहरे पे नहीं लगाना होता इसको, ये गिरता है आड़ा टेढ़ा होने में, ये है, इसको ऐसे ऐसे, या तो ऐसे, ये नोज पे ऐसे, यहाँ ये ऐसे लगाया जाता है स्किन पे। जब मीशू हंसेगी ना, तो चेहरे लाइट उस पर पड़ेगी ना, तो लाइट पे चेहरे में यही यही दिखेगा, यहाँ यहाँ, जब क्योंकि चेहरे के हाई पॉइंट्स होते हैं कुछ, उन पे यहाँ पर ही लाइट ज़्यादा पहले पड़ती है। अभी आईब्रो की बारी आती है, आईब्रो पहले ही बना ले रहा था, पर अब आईब्रो के लिए उतना ध्यान नहीं देते हैं पर लोग। आईब्रो में
ब्राउन कलर से फिल करके इसको देखो इस शेप में दे दिया मैंने। इसको पहले कंघी कर लेंगे आईब्रो को, फिर इसको ऐसे डाउन करके शेप में दे देंगे इसको। सेम ऐसे पहले उठा उठा के कंघी करेंगे इसको, फिर इसको ऐसे शेप बना देंगे। जैसे तुम्हारी आईब्रोज तो कम है तो तुम क्या करना, ब्राउन कलर की पेंसिल लेना। अब ब्राउन कलर की पेंसिल ना हो तो ये पतला छोटा जो ब्रश होता है कोई भी हमारे पास, उसमें ये ब्राउन कलर का कॉम ये आई शेडो लेना और इधर बैठो आईज आईब्रो के बीच में इसको ऐसे धीरे धीरे फिल कर देना। तो इससे आईब्रोज बहुत अच्छी हो जाती हैं, सेट हो जाती। इधर इधर दिखाइए और फिर आईब्रो में कोई भी पार्ट छुपा दिखता नहीं है, स्किन नहीं दिखती आईब्रो में हमारी। देखिए सी, बस काजल का थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि काजल रुकिए मैं काजल ब्लैक भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ऊपर करो, ऊपर कर रहे हैं। सी मैंने विंग्स ज़्यादा बड़े बना दिए, आपकी मर्ज़ी आप कैसे विंग्स बनाना चाहती हैं। और तो कुछ बचा है अम्मा? और क्या बचा है? और बचा है ये बचा है। हाँ ये, हाँ ये करवाएंगी। अरे बाप रे, इधर देखो आईने में कैमरे में इसको ऐसे रख के आईज इसमें फंसा के। अब ऐसे खोल के आँख रखो, खोल के आँख रखो, खोल के आँख रखो। हाँ खोलो आँख, खोलो ऊपर देखो। हाँ अरे यार खोलना, ऐसे खोलने के बाद बंद कर लेना ठीक है। खोलो पहले, हाँ अब बंद कर लो। आपकी आईज छोटी है कि क्या बता, और करो। नहीं हो रहा, आपकी आईज छोटी है। अरे अरे यहाँ फैल गया देखो जरा सा। अरे वेट अ मिनट रुको। अब मस्कारा होता तो आई लैशेस पे मस्कारा लगा लेती, नकली की पलके लगा लेती। और क्या बचा है मम्मी? बस कुछ नहीं बचा है आपको। ये तो बचा, क्या बचा है? अरे वो नकली की पलके। सी ऐसे लगाते हैं इनको, यहाँ से निकालेंगे साइड से ऐसे एक पकड़ी, इस पर ग्लू अप्लाई करेंगे। सूख गई है थोड़ी थोड़ी। फिर नकली पलक चिपक जाएगी, फिर निकालते बनेगा। हाँ लगा दो। अच्छा लगा दो। छोटी है वैसे भी। छोटी नहीं है, बड़ी है, राक्षस जैसी। इसको सुखा लीजिए, एक मिनट का समय देंगे थोड़ा सूख जाए। ऊपर खोल के रखो आईज, इसके बाद तुम खोल के बस रखो। हाँ इसको रुक ना जरा। हाँ रुको रुको रुको, हिल रही है, चिपकी नहीं अभी अच्छे से। हाँ छोटी छोटी तो नहीं है, बड़ी है, थोड़ी सी है। रुको रुको, उधर देखो, ये देखो इधर तो काला काला हो गया इसके चिपक गोद से। अभी एक मिनट रुकना, एक मिनट तो माइज बंद खोल रही हूँ बार बार ना। इसको ऐसे थोड़ी देर दबा के रखते हैं जिससे ये पलकों पे चिपक जाती है। अभी मीशो जी की आईज में हमने ज़्यादा गम नहीं लगाया इसलिए चिपकी नहीं है। देख लीजिए ऐसी लगेगी थोड़ी, इसकी आईज बड़ी बड़ी हो गई, दोनों आईज में अंतर देख लीजिए। अरे उठा के क्यों देख रही है, वहाँ नहीं दिखोगी तुम, वीडियो शूटिंग चल रही है। अभी देखते हैं, दिखाते हैं तुम्हें, दिखाते हैं। लो देखो आईने में, देख लो खुद को आईने में। नहीं दिख रही, इयररिंग पहना दूँ? इयररिंग पहना दूँ? क्या मम्मा अच्छी नहीं लगी?
कोई फेंक देता है क्या? ये तो मेरे तो बहुत सुंदर लगता है, ये देखो देखो, पकड़े रहना, मैं ऐसे लगा के दिखाती हूँ, पकड़े रहो ना, टूट जाएगा आईना, ऐसे पकड़े रहो 2 मिनट। अरे अभी भी चिपका नहीं, बहुत अच्छा इससे मेकअप लुक आता है, मैं इसकी फोटो भेजूंगी, लगाया था जो मैंने, बहुत ही सुंदर फोटो हो जाती मेकअप के बाद इसको लगाने से, इसको लगाने से। ओके इसको भी हम चिपका देते हैं, अभी इसका हम इस्तेमाल नहीं किया। अरे हीरोइन मेरी रख दो, ये बहुत बड़ी बड़ी राक्षस जैसी आई थी, बहुत ही बड़ी राक्षस जैसी, फिर मैंने इसको कट किया है कुछ कुछ को, जो इसको और इसको बस कट किया है, बाकी सब अभी ये लगाओ ना तो ये यहाँ तक छूती है सीधे आईलैश। और सच में इतनी बड़ी बड़ी आईलैश लोग शादियों में लगाती हैं लड़कियाँ, भैया जो ब्राइडल मेकअप होते हैं आजकल के उसमें लोग लगाती हैं ये सब। चलो अच्छा ओके एवरीथिंग्स अंडरस्टूड। ऐ क्या कर रही हो, सब मिक्स कर रही हो, मेरा गंदा कर रही हो। अभी मैं फोटो खींच के भेजती हूँ उमेश आगे। ओके वेट अ मिनट, ओके बाय बाय करो, बाय। खड़े होके इधर दिखा दो मुझे, आए तिरछे होके दिखा दो यहाँ दीदी को, कैटवॉक कर लो, ये क्लिप भी लगा दो, दिखा दो दीदी को। हाँ ऐसे 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 खड़े हो, ऐसे खड़े हो के दिखाओ ना अपना मुंह, दिखाओ इधर इधर आके खड़े हो के दिखाओ। हाँ ना देख लीजिए मेरा मेकअप, देख लीजिए मेरा मेकअप, मैंने आपके लिए करा है, वरना मम्मी मेरी कराती थोड़ी कभी, बता दो बोल दो। हाँ नहीं बोलना, चलो अच्छा मेकअप हम उतारेंगे और सो जाएंगे। ओके दिस इज फाइनल लुक, तुम मत हिलना, बिल्कुल नहीं हिलना, सीधे खड़े रहिए, स्माइल करिए बस। ये देखिए हमारी फाइनल लुक मॉडल का, इतना सुंदर दिख रहा है ना, एकदम सुंदर परफेक्ट सा दिख रहा है, और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। अब ना ऐसे करो साइड फेस लुक, देखिए कंटोरिंग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इयर रिंग्स भी पहन लिया हमारी मॉडल ने, कितनी सुंदर दिख रही है, एक फ़ोटो खींच के दिखाऊँ मैं।